सो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है और आप कम बजट के अंदर एक अच्छा और परफेक्ट फोन ढूंढ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप अपने लिए कोई सेकेंडरी डिवाइस या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो गाइस ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, सर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉप 5 फोन्स के बारे में जो कि आप परचेस कर सकते हैं यहाँ पर 8,000 रुपए की प्राइस पर। यहाँ पर आपको डे टू डे यूजेस यानी दोस्तों नॉर्मल वर्क के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैमरास भी अच्छे मिलेंगे, डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाएगी और इसके अलावा इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर एक बैटरा भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है यार, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइस यार, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं यहाँ पर मोस्ट ड्यूरेबल और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन से गाइस, और ये फोन है यहाँ पर रेडमी का 9A। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट सेलिंग रह चुका है। बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन की, तो प्लास्टिक बिल्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के स्प्लैश प्रोटेक्शन वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बात कर ले डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 400 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों डिस्प्ले काफी बढ़िया है, साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो आपको बढ़िया देखने को मिलने वाली, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर 13 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा आउटपुट काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर हाउस की बात की जाए, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी ही देखने को मिलने वाली है, तो एक दिन का बैकअप आपको यहाँ पर आराम से मिलने वाला है। 10 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो और जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पर MediaTek Helio G25 का चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको हीटिंग वगैरह देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों डे टू डे यूजेस और साथ ही नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के MIUI 12 पर देखने को मिलेगा। तो थोड़े मोटे प्लॉट पर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर झेलने पड़ेंगे, लेकिन सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर एक लाइन में कहा जाए, तो अगर आपको यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन लेना है और ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। 2 और 32 वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 6,999 रुपए की प्राइस पर, वहीं पर इसका 3 और 32 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7,999 रुपए की प्राइस पर। और गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे फोन की जो कि इस प्राइस पर एक लौता स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और गाइस ये फोन है यहाँ पर इनफिनिक्स का हॉट 10 प्ले। दोस्तों इस फोन की खास बात है स्मार्टफोन का डिस्प्ले, जो कि आपको मिल जाता है 6.82 इंचेस का, लगभग 7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो कंटेंट वॉच करने के लिए बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहां पर NEG Dynorex का प्रोटेक्शन दिया गया है, और गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो अच्छी मिलने वाली है, डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh का बैटरा दिया गया है, तो आपको यहाँ पर 1.5 से 2 दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलता है। जो यहाँ पर ट्रैवलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं दोस्तों, उनके लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। साथ ही दोस्तों इसे चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, और यहाँ पर भी आपको माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो इस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल डिसेंट मिल जाएगा। बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर भी आपको यहाँ पर MediaTek Helio G35 का चिपसेट दिया गया है, जहाँ पर आपको 1,10,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पर समझ चुके होंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और गेमिंग काफी अच्छी मिलने वाली है, दोनों से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। जहाँ तक बात है कैमरा परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फ्रंट में ड्यूअल LED फ्लैश का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ बैक में आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको क्वाड LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर कैमरा सेटअप अच्छा मिलता है, लेकिन दोस्तों सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप सेल्फीज के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो एक बार आप इस फोन को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बैक में मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल जो लुक है वो काफी अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको यहां पर भी दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहां पर 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फोन आपको यहाँ पर Android 10 के XOX7 पर देखने को मिलता है, तो ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स आपको यहाँ पर भर भर के देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अगर एक लाइन में कहा जाए गाइस, तो अगर आपको यहाँ पर कंटेंट वॉच करने के लिए बड़ी डिस्प्ले, साथ ही लंबी बैटरी बैकअप और इसके अलावा अच्छे कैमरास चाहिए, तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। 3 और 32 वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 8,299 रुपए की प्राइस पर। और फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर एक अच्छा कैमरा वाला फोन ढूंढ रहे हैं यार, तो इस प्राइस पर आपको टेक्नो से अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन आपको यहां पर डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहां पर 6.5 इंचेस की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 480 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, तो आउटडोर में भी आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आपको यहाँ पर स्मूथनेस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बैक में 16 और साथ ही सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा, और अच्छी बात है कि दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर ड्यूअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। और गाइस, इस बजट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेंगे, एक ऐसा लौता स्मार्टफोन है जहां पर आपको नाइट मोड जैसे फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही आपको यहां पर 120fps तक की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, इस प्राइस पर ऐसे फीचर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहां पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 30fps पर। लेकिन दोस्तों कैमरा आउटपुट की बात करें, तो आपको यहां पर कैमरा आउटपुट नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर पावर हाउस की, तो 5000mAh बैटरी के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिलने वाला है। साथ ही जिसे चार्ज करने के लिए 10 वॉट का सपोर्ट दिया गया है, और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर डिसेंट देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio P22 का चिपसेट दिया गया है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में ही आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 100,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खराब नहीं मिलने वाली है। लगभग आपको यहाँ पर MediaTek Helio G35 जैसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह में कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला जैक भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा यहाँ पर Android 11 बेस्ड हाई OS 7.6 के गो एडिशन पर देखने को मिलेगा, तो जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिलने वाले, तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो एक लाइन में कहा जाए दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पर सेल्फीज क्लिक करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन और इसके अलावा आपको यहाँ पर फीचर्स काफ़ी अच्छे चाहिए, तो आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको काफी अच्छी स्टोरेज के साथ में भी देखने को मिल जाता है, 2GB RAM 64GB की आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और गाइस, आप इसे परचेस कर पाएंगे यहाँ पर 7,999 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उन्हीं यूजर्स की, जिन्हें कोई भी UI ही नहीं पसंद है, जिन्हें क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड से काफी ज्यादा लगाव है, वो यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो E7 पावर। करते हैं डिजाइन से दोस्तों, तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी दिया गया है, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2 megapixels के डबल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको यहाँ पर 5 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर हाउस की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है,
जिसे चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल सो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा, बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G25 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात है कि यहाँ पर भी आपको लगभग 1 लाख के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छे स्कोर है। तो आपको यहाँ पर डेली यूज के लिए अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों गेमिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस मोटोरोला के MyUX पर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कोई भी ब्रॉडवेयर ऐप और एड्स का पंगा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर एक लाइन में कहा जाए तो अगर आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ भी एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो आप इस फोन को जरूर से देख सकते हैं। और गाइस इस स्मार्टफोन की एक और खास बात है कि आपको यहाँ पर 1 TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर आपको यहाँ पर एक ज्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन भी परचेस करना है तो आप डेफिनेटली इस फोन को देख सकते हैं। 2 GB RAM 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 6,999 रुपए की प्राइस पर। फाइनली चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड यहाँ पर रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी C20 से। शुरू करते हैं परफॉर्मेंस से तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर डे टू डे यूजर्स के लिए लगभग 1,10,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और नॉर्मल गेमिंग में यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ की IPS LCD डिस्प्ले का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 400 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है और साथ ही आपको यहाँ पर कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात है गेमिंग की दोस्तों तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। तो सबके पास देखेंगे तो कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में 8 और सेल्फी के लिए 5 MP का सेंसर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाएगा तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही पावर हाउस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलने वाला है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। सभी के अलावा बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन वाला फीचर भी दिया गया है तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 के रियलमी UI पर देखने को मिलता है। तो थोड़े मोड़े ब्रॉडवेयर ऐप देखने को मिलेंगे लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो एक लाइन में कहा जाएगा इस तो अगर आपको यहाँ पर एक गुड लुकिंग डिवाइस और साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन परचेस करना है रियलमी की तरफ से तो आप जरूर से देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन बाकी का जो फोन है दोस्तों वो आपको अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो इस फोन को देख सकते हैं, 2 GB RAM 32 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 7,499 रुपए की प्राइस पर। सो फाइनली गाइस ये तो थी हमारी तरफ से टॉप 5 फोन्स की लिस्ट, लेकिन गाइस इनमें से आप सभी को कौन सा पसंद आया वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी यार तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।